हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. ओके, टुडे वी रीड एनवायरमेंट स्टडीज स्टैंडर्ड फर्स्ट. इसमें हम रीड करेंगे थर्ड लेसन, माय सेंस ऑर्गन, मेरी ज्ञान इंद्रियां. तो हमने ये लेसन तो रीड कर लिया था. आई हैव फाइव सेंस ऑर्गन, मेरे पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं. आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, आँखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारी पाँच ज्ञान इंद्रियां हैं. इससे हम क्या क्या करते हैं? कानों से हम सुनते हैं, नोज से, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से हम स्वाचा करते हैं, जो स्किन है, त्वचा से हम महसूस करते हैं, आईज, आईज के द्वारा हम देखते हैं. तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां ये हमारी मित्र है, ये पूरे संसार को जानने में हमारी मदद करती है. ठीक है, तो हमें आज हम एक्सरसाइज करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. ये बॉक्स दिया गया है, इसमें से हमें वर्ड चूज करने हैं और फिर ब्लैंक्स है, जो जैसे ये ब्लैंक है इसमें हमें राइट करनी है. आवर सेंस ऑर्गन आर लोकेटेड इन द हेड पार्ट ऑफ अवर बॉडी. जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं आर लोकेटेड, जो लोकेशन में है वो पाई जाती हैं, स्थित हैं इन द हेड पार्ट, मुख्य भाग ऑफ अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का है वो मुख्य भाग के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है. ठीक है, वी टेस्ट विद अवर टंग, हम अपनी जीभ से स्वाद चेक करते हैं. तो हमने टंग यहाँ से उठाया है, हेड भी यहाँ से उठाया है. वी कैन सी द ब्लू स्काई विद अवर, जो हम नीला आसमान है किससे देख सकते हैं, किसकी सहायता से देखते हैं, आइज. तो हमने यहाँ से आइज राइट कर दिया. ए चॉकलेट टेस्ट, चॉकलेट है वो कैसी होती है, मीठी, स्वीट, स्वीट हमने यहाँ से राइट कर दिया. आइस इज कोल्ड, जो बर्फ है ठंडी होती है. तो हमने ये वर्ड है इसमें से देख के जो भी सही वर्ड है उसमें हमने राइट कर दिया. बी है टिक द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दी गई है, इनमें से इनमें टू वर्ड्स है, इनमें से जो भी सही है करेक्ट वर्ड है उसको हमें टिक करना है. तो सेंटेंस में सही करेक्ट वर्ड सूट कर रहा है उसको हमें टिक करें. वी विद आवर फिंगर, हम अपनी उंगलियों से क्या करते हैं, टच करते हैं, रन करते हैं, तो हम रन करते हैं, दौड़ते नहीं है. ठीक है, वी हियर टेस्ट विद आवर आइज, हम अपनी आँखों से, हम अपने कानों से स्वाद चेक करते हैं या सुनते हैं, तो हमने ईयर को टच करना, टिक करना है, हम सुनते हैं कानों से. वी फील सी विद आवर स्किन, जो हम त्वचा से हम देखते हैं या फिर फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो हम फील को टिक कर देंगे, हम त्वचा के द्वारा महसूस करते हैं. ए लेमन इज स्वीट श्योर, जो नींबू होता है वो मीठा होता है या खट्टा, खट्टा, तो हम श्योर को टिक कर देंगे. व्हेन वी रीड वी यूज अवर ईयर्स आई, तो हम जब पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम कानों से पढ़ते हैं या आँखों से देखते हैं, किस चीज़ से देखते हैं, आइज से. When we read, we use our eyes. तो eyes को हमने टिक कर दिया. ओके, आप लोगों को ये रीड करना है, लर्न करना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स.